ज्ञान के अभाव में ही होगा। अब देखो, सोने का टुकड़ा हो 10-20 ग्राम का या कुछ भी, सोने का जब टुकड़ा है आपके सामने कोई रख दे और वो सोने के टुकड़े के ऊपर गंदगी है, धूल जमी हुई है, पूरी तरह से वो गंदा है, कचरा है, लेकिन अगर आपको ये पूरी तरह से ज्ञात है कि ये सोना है तो धूल देखकर उसको त्यागोगे नहीं, सोना समझकर पकड़ लोगे, चाहे कितना भी गंदा हो, उसके ऊपर कितना भी कचरा जमा हुआ हो, लेकिन मालूम है, ज्ञात है कि ये सोना। तो ये ज्ञान ही आपको, दिखते तो धूल है लेकिन धूल देखकर आप उसको त्यागोगे नहीं, दिखने में धूल है लेकिन ज्ञान में सोना है, ऊपर जमा है वो कचरा है तो दिखने में कचरा है लेकिन ज्ञान में सुवर्ण है, तो उसको आप कचरा समझ करके छोड़ोगे नहीं। लेकिन जब वस्तु का ज्ञान हो गया तो त्यागने जैसी वस्तु को हम त्याग सकते हैं और पकड़ने जैसे तत्वों को हम हर हाल में पकड़ लेते हैं, हर हाल में पकड़ लेते हैं। अगर कोई कह दे कि रात 3 बजे इतने घंटे और इतनी सेकंड पर तुम वहां पहुंच जाओ, तो केवल पहुंचने मात्र से तुम्हें इतना 1000 हाट लग जाएगा, इतने 1,00,000 हाट लग जाएगा, इतने 1,00,00,000 हाट लग जाएगा, बिना अलार्म उठ जाओगे। जरूरत नहीं रहेगी कि आपको कोई जगह है, अगर 3 बजे आप कोई निश्चित स्थान पर पहुंचे हो और पहुंचने मात्र से आपको कुछ वस्तु हाट लगने वाली है तो बिना अलार्म उठ जाओगे। गाड़ी नहीं है तो बाइक से, बाइक नहीं है तो पैदल दौड़ कर भी, बिना जूते चप्पल पहने भी आप वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान है, पकड़ने जैसी वस्तु को हर हाल में पकड़वा लेता और छोड़ने जैसी चीज को छोड़ने के लिए हमको तत्पर कर देता है। जैसे कि सोने की थाली में कोई लड्डू रख दे आपके सामने, लड्डू दिखने में सुंदर है, थाली सोने की है, सारी चीजें आपको मूल्यवान दिख रही हैं, लेकिन आपको कोई इस बात से अवगत करा दे कि यह लड्डू में कुछ मिलाया है, यह लड्डू में जहर मिलाया है, अब जहर नहीं दिखता, दिखती है तो सोने की थाली, दिखने में सोने की थाली है, दिखने में लड्डू है, वो भी बहुत सुंदर है, सभी प्रकार के मेवा से लगा हुआ है, लेकिन आपको किसी ने ये जानकारी दे दी कि इसमें जहर मिला है, ये लड्डू में विष मिला है, तो सोने की थाली भी आपसे गलती नहीं कराएगी, काजू बादाम जो भी कुछ उस पर चिपके हुए हो फिर भी आपसे गलती नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर 3 दिन से कुछ भी खाने को न मिला हो तब भी गलती नहीं, वस्तु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान ही गुणों को जीवन में धारण कराता है और दुर्गुणों को तत्क्षण छुड़वा देता है, तत्क्षण छुड़वा देता है।